मैंने बड़े असाधारण स्वप्न देखे जो मुझे कुछ संकेत दे रहे थे। प्रथम स्वप्न में मैंने देखा कि ये पराक्रमी पृथ्वी मेरा बिछोना है, पर्वतों का राजा हिमालय मेरा सिरहाना है, मेरी बाईं भुजा पूर्व के महासागर पे विश्राम कर रही है, मेरी दाईं भुजा पश्चिम के महासागर में टिकी, मेरे दोनों चरण दक्षिण महासागर के जल से प्रक्षालित हैं। दूसरे स्वप्न में मैंने देखा कि मेरी नाभि से त्रिया नामक घास का तिनका उगा और बढ़ता ही रहा जब तक उसने बादलों को ना छू लिया। तीसरे स्वप्न में मैंने देखा कि हर रूप हर वर्ण हर रंग के असंख्य मनुष्य मेरे चरणों में अंजलि दे रहे हैं। चौथे स्वप्न में मैंने देखा कि चारों दिशा से चार अलग रंगों के पंछी उड़ के मेरी ओर आए, पर मेरे समीप आते ही उनका रूपांतरण हुआ। वो अपने विभिन्न रंगों को त्याग शुभ्र श्वेत रंग के हो गए। ये इस बात का सूचक है हर रूप हर रंग के लोग मेरी शरण में आएंगे बिना किसी भेदभाव के। पांचवे स्वप्न में मैंने देखा कि मैं एक गोबर और लीप के पर्वत के नीचे खड़ा हूं। फिर मैं उस पर्वत के शिखर पर चढ़ा और लौट कर नीचे आया, पर मैं मलिन नहीं हुआ। ये संकेत देता है कि मैं जीवन की दलदल में रहकर भी पुनीत रहूंगा। आपके सपने तो हमें समझ ही नहीं आए। मैं भी इन सपनों का अर्थ ढूंढ रहा हूं। मेरे अंतर मन से एक स्वर उठ रहा है कि मैं सद्धर्म का मार्ग पाने वाला हूं।